जंगल में चीकू नाम का एक प्यारा खरगोश रहता था। उसके सभी मित्र आकार में उससे बहुत बड़े थे। छोटे आकार का होने के कारण वह उनके साथ खेल नहीं पाता था, इसलिए वह उदास रहता था। एक दिन चीकू ने देखा एक छोटी लड़की अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। उसने कहा, मुझे भी खेलना है। लेकिन खिलौने ने कहा, तुम्हें पहले एक खिलौना बनना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें खिलौनों के देश जाना होगा। तब खरगोश खिलौनों के देश गया, जहां सांता क्लॉज उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे पीने के लिए जादुई पानी दिया, जिसे पीते ही चीकू एक खिलौना बन गया। जब क्रिसमस का त्योहार आया, माता ने चीकू को सोफिया नामक लड़की का उपहार बना दिया। सोफिया उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने चीकू को अपने खिलौनों में शामिल कर लिया। वह चीकू के साथ खूब खेलती थी। अब चीकू बड़ा नहीं होना चाहता था, वह ही खुश था।